सो लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज, मैं गौतम चौधरी एक बार फिर आप सबके सामने आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और आज के इस वीडियो टॉपिक का नाम है फेस केयर, यानी कि चेहरे की देखभाल। सबसे पहली बात, अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको नहीं पता है कि मैं कैसे कंटेंट बनाता हूं, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को जरूर चेकआउट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज बात करते हैं फेस के बारे में। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जो दिखता है वो बिकता है, और चेहरा दिलों का हाल बताता है। ये मायने नहीं रखता है कि आपके चेहरे की स्किन कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है या नॉर्मल है। ये भी मायने नहीं रखता है कि आपके चेहरे की स्किन का कलर क्या है। मायने रखती है तो सिर्फ एक बात कि आपका चेहरा कितना चमकता हुआ है और चेहरे की स्किन कितनी हेल्दी है। फेस की दिक्कतों के बारे में अगर बात करने लगे तो अनगिनत है। ऑयली फेस की दिक्कत अलग, ड्राई फेस की दिक्कत अलग, ऐसे ही सेंसिटिव और नॉर्मल फेस स्किन की दिक्कत अलग अलग। जब भी हम अपना चेहरा आईने में गौर से देखते हैं तब महसूस होती है दिक्कतें, जैसे कि अरे पिंपल हो गया, अरे टेनिंग भी हो गई, स्किन भी डिहाइड्रेट हो गई, डार्क स्पॉट्स भी हो गए, ये लो डार्क सर्कल्स भी हो गए, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, स्पॉट्स, छोटी छोटी फुंसियाँ, लाल चकते जैसे हो जाना, पपड़ी जैसे जम जाना, और भी पता नहीं क्या क्या। फेस की सब दिक्कतों का नाम लेने लगो तो वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी मैं खुद भी नहीं जानता, बाकी समझदार को इशारा काफी होता है। मुद्दे की बात यह है कि फेस की दिक्कतें होती क्यों है, और रीजन है लैक ऑफ केयर, यानी कि देखभाल की कमी। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी बालों की 100 प्रॉब्लम्स और एक सॉल्यूशन के बारे में। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अभी बात करेंगे फेस की 100 प्रॉब्लम्स और एक सॉल्यूशन के बारे में, और वो सॉल्यूशन क्या है बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। घुमाकर बातें करनी मुझे आती नहीं है, छोटी बातें करता हूं लेकिन दमदार करता हूं। तो चलिए कट टू कट बातें करते हुए चलते हैं। हमें बस सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का सफर तय करना है। अगर 5 दिन में चेहरा ना चमकने लगा तो आपका फोन और आपकी उंगलियां, कमेंट बॉक्स में आप जो चाहे मुझे बोल सकते हैं। सबसे पहली बात, लोग सुबह उठ के सोचते हैं कि रात को तो चेहरा धोके सोए थे तो सुबह धोने की क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत है। अपनी फेस स्किन के हिसाब से फेस वॉश लें और सुबह उठने के बाद अच्छे से अपने चेहरे को धो लें। दूसरी बात, एक्सफोलिएटिंग यानी कि परत उतारना। एक मुलायम सा कॉटन का कपड़ा लेकर हल्का सा पानी में गीला करके उससे अपने चेहरे को आराम आराम से रब करें, यानी कि धीरे धीरे रगड़े, वो भी 1 मिनट तक का। दिन में 2 बार भी आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरी और जरूरी बात, अगर पूरा दिन घर में या ऑफिस में है तो अपने फेस को नमी यानी कि मॉइस्चराइज करना ना भूलें। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर लें और उसको यूज करें। और हाँ, अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो धूप तो होगी ही, और यहाँ बात आती है प्रोटेक्शन की, तो सनस्क्रीन यूज करना ना भूलें जिसका SPF लेवल 30 तक हो, क्योंकि इट इज द मोस्ट कॉमन लेवल फॉर मोस्ट पीपल एंड स्किन टाइप। अब बात करते हैं रात के बारे में। दिन भर के बाद रात को घर आके आपने अपने फेस पे जो लगाया है उसको साफ करना ना भूले, जैसे कि मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, मेकअप और पूरे दिन की धूल मिट्टी जो बाहर से लेके आ पाए हो। अक्सर लोग काम करके थक कर आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, नतीजा फेस की दिक्कतें पैदा होने लगती है। सो स्टेप 1, जब भी आप घर पे आए हमेशा ताजे पानी के साथ फेस वॉश करें। स्टेप 2, एक्सफोलिएटिंग यानी कि परत उतारना जो हमने सुबह किया था। स्टेप 3, रात को सोते समय हमेशा मॉइस्चराइजर या फिर नाइट क्रीम का यूज करना ना भूलें, क्योंकि यही चीज आपके फेस स्किन को पूरी रात हाइड्रेट, रिपेयर और नरिश करती है। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखने हैं, हमेशा 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। कहीं भी जाते वक्त यानी कि आउटडोर में हमेशा अपने फेस को कवर करके निकलें। जब लगे कि फेस गंदा हो गया है हमेशा ताजे पानी के साथ अपने चेहरे को धो लें। बेसन, रोज वाटर यानी कि गुलाब जल, शहद, लेमन यानी कि नींबू, केला, तरबूज, पपीता, टमाटर, एलोवेरा, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हफ्ते में 2 बार कहीं भी और किसी भी टाइम आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। इनमें से किसी एक चीज़ को फेस पे लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, चेहरा चमकने लगेगा। ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ ना करें। हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें और जितना हो सके खुश रहें। और अब लास्ट में बात करते हैं उस इलाज के बारे में जिसमें फेस की 100 प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन छिपा हुआ है, और वो है भाप यानी कि फेस स्टीम। इसके फायदों के बारे में अगर मैं बात करूं तो अनगिनत है। अब ये करना कैसे है मैं आपको समझाता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोज चल रहे हैं उनको ध्यान से देखें और फॉलो करें। गैस के ऊपर एक पतीला रखें, उसमें 200 से 250 ml पानी डालें। जब पानी उबलने लगे तो अपने फेस को तौलिए से कवर करके भाप लें 10 मिनट तक। टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट करें,
भाप देने के बाद अपने फेस को स्क्रब करें 5 मिनट तक, वो भी सर्कुलर मोशन में। उसके बाद फेस वॉश से अपने चेहरे को धो लें और उस पर मॉइस्चराइजर लगाएं। हफ्ते में एक बार फेस स्टीम और स्क्रब की आदत डालें, फेस की सारी दिक्कतें फुल स्टॉप। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं, खैर सस्पेंस में रहो। और ये सस्पेंस क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर भी कर देना इस वीडियो को, और लाइक तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक वही अपना 3 से 4 दिन का। टिल देन टेक केयर गाइस, कीप ड्रीमिंग एंड कीप स्माइलिंग, सपने देखते रहने का।